संजय लीला भंसाली की पद्मावत के बाद कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी पर बवाल खड़ा हो गया है। राजस्थान में सर्व ब्राह्मण महासभा ने फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि फिल्म में लक्ष्मीबाई और एक अंग्रेज के बीच रागात्मक संबंधों का जिक्र किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई को लेकर ऐसा विवाद पहले भी सामने आ चुका है। यूके बेस्ड लेखिका जयश्री मिश्रा ने रानी नाम की किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी किताब में रानी और झांसी के तत्कालीन राजनीतिक एजेंट रॉबर्ट एलिस के बीच अफेयर का जिक्र किया था। वैसे परंपरागत इतिहास की पुस्तकों में लक्ष्मीबाई के बारे में इस तरह का कोई जिक्र नहीं मिलता। हालांकि कुछ साल पहले अंग्रेजी में किताब आई थी, जिसमें लक्ष्मीबाई के एक अंग्रेज के साथ प्रेम प्रसंग को पेश किया गया था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा लिखे गए भारत के इतिहास पर तो खुद अंग्रेज भी भरोसा नहीं करते। जयश्री ने अपनी किताब में लिखा था कि लक्ष्मीबाई के साथ बढ़ती दोस्ती के चलते रॉबर्ट एलिस की शिकायत ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंची। इसके कारण रॉबर्ट को इस्तीफा तक देना पड़ा। वहां से इस्तीफा देने के बाद वो रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में आए। लक्ष्मीबाई को जब रॉबर्ट के बारे में पता चला तो वो खूब रोईं। जयश्री की किताब में एक जगह रॉबर्ट और लक्ष्मीबाई की पहली मुलाकात का जिक्र है। इसके मुताबिक रॉबर्ट ने जब रानी लक्ष्मीबाई की पहली मुस्कान देखी तो मंत्रमुग्ध हो गया था। ये तो सर्वविदित है कि रानी लक्ष्मीबाई को निकट से देखने का मौका आज तक केवल दो अंग्रेजों को मिला है। रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में रॉबर्ट एलिस का जिक्र आज तक नहीं मिलता, इसलिए जयश्री की किताब को तथ्यों पर आधारित नहीं माना जा सकता। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक्स ब्रिक्स पहला ऐसा शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए देखा। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों में दबाई हुई थी, वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। उनसे पहले एक और अंग्रेज जॉन लैंग को रानी लक्ष्मीबाई को नजदीक से देखने का मौका मिला था, लेकिन लड़ाई के मैदान में नहीं, उनकी हवेली में। जब दामोदर राव के गोद लिए जाने को अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया था तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा था। रानी ने वकील जॉन लैंग की सेवाएं ली थी। कुछ इतिहासकार भी मानते हैं कि अंग्रेजों में जॉन लैंग ही ऐसा पहला शख्स था जिनसे खुद रानी बात किया करती थी, लेकिन उन्हें भी रानी को देखने का सौभाग्य केवल एक बार ही नसीब हुआ। जब लैंग पहली बार झांसी आए तो रानी ने उनको लेने के लिए घोड़ों का एक रथ आगरा भेजा था। झांसी पहुंचने पर लैंग को 50 घुड़सवार एक पालकी में बैठाकर रानी महल लाए थे, जहां के बागीचे में रानी ने एक शामियाना लगवाया हुआ था, जहां उनकी रानी से मुलाकात होनी थी। लक्ष्मीबाई शामियाने के एक कोने में एक पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। तभी अचानक रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव ने वो पर्दा हटा दिया। लैंग की नजर रानी के ऊपर गई। बाद में रेनर जेरोस्ट ने एक किताब लिखी, द रानी ऑफ झांसी रेबल अगेंस्ट विल। किताब में रेनर ने जॉन लैंग को कहते हुए बताया कि रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। अपनी युवावस्था में उनका चेहरा बहुत सुंदर रहा होगा, लेकिन अब भी उनके चेहरे का आकर्षण कम नहीं हुआ था। मुझे एक चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगी, उनका चेहरा जरूरत से ज्यादा गोल था। हाँ, उनकी आंखें बहुत सुंदर थी, नाक भी काफी नाजुक थी, उनका रंग बहुत गोरा नहीं था, उन्होंने एक भी जेवर नहीं पहन रखा था सिवाय सोने की बालियों के। उन्होंने सफेद मलमल की साड़ी पहन रखी थी जिसमें उनके शरीर का रेखांकन साफ दिखाई दे रहा था। जो चीज उनके व्यक्तित्व को थोड़ा बिगाड़ती थी वो थी उनकी फटी हुई आवाज। रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व को लेकर इससे ज्यादा वर्णन कहीं नहीं मिलता। जयश्री की किताब एक कठोर वीरांगना के भीतर नारी की कोमल भावनाएं तलाश करने की फिक्शनल कोशिश रही होगी। अगर ऐसा ही ऐतिहासिक तथ्य मानकर पेश किया जाए तो ये हिमाकत के सिवा कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।